माताजी, बोलिए बोलिए माता जी। माताजी अभी आपने जो श्लोक पढ़ा, मैं श्लोक का नंबर तो मैंने नोट नहीं किया, लेकिन आपने बोला ना कि भगवान पोषण करते हैं परमात्मा के रूप में देवताओं का, मनुष्यों का, पशु का, और जो सत्वगुणी होते हैं वो जल्दी उनका उद्धार होता है। तो मेरा प्रश्न ये था माता जी कि कहते हैं कि जीवे माने जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, सब सब भगवान के दास है, तो इसमें केवल सत्वगुणी के ही लिए वहां स्थान है या सबके लिए है माता जी? स्थान सबके लिए है, भगवान के पक्का? धाम में स्थान सबके लिए है, सतोगुणी के लिए है, ऐसी बात नहीं है। चाहे वो छोटा सा कीड़ा हो, चाहे वो सांप हो, बिच्छू हो, पशु हो, पेड़ हो, कोई भी हो, सबके लिए भगवत धाम में स्थान है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बद्ध होते हैं, जो तमोगुण में रजोगुण में होते हैं, बहुत नीचे जिनकी चेतना है, उनको उठाना बहुत कठिन कार्य है। उनको बहुत समय लगता है ऊपर उठ के सतोगुण तक आने का, आने में। रजोगुण और तमोगुण की अवस्था में जब कोई जीव रहता है तो उसे भगवान की कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, भक्ति समझ में नहीं आती है, उसे ज्ञान समझ में नहीं आता है, उसका दिल नहीं करता है कि हम भक्ति करें। तो वैसे स्थिति में उस जीवात्मा को उठा के भगवत धाम ले जाना बहुत डिफिकल्ट है। जब वो अभी पूछा ना सुकृति प्रश्न, जब वो सुकृति के द्वारा, अज्ञात सुकृति के द्वारा, किसी के कृपा के द्वारा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा अपने आप, तमो से रजो, रजो से सतो, उसके बाद उसको भगवान की लीला समझ में आएगी, उसके बाद उसको भगवत धाम जाने का रास्ता दिखाई देगा। तो इसीलिए जो ऊपर उठ चुके हैं ऑलरेडी, जो सतोगुण में हैं, उनको भक्त बनाना बहुत आसान है। इसलिए भगवान जब लीला करते हैं तो उनको ही समझ में आता है, सबको समझ में नहीं आता। इसलिए ऐसी बात बताई गई है कि सतोगुणी ऋषि मुनि जो होते हैं उनके उद्धार के लिए भगवान लीला करते हैं, उनके लिए लीला करते हैं। लीला तो सबको दिखाई देती है, पर भगवान की लीला को दिखाई देने के बाद भी हर व्यक्ति सम्मान नहीं करता है, वो भगवान को भगवान भी नहीं समझता है, लीला को कहाँ समझेगा वो।